श्री हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम 31 मार्च 2018 शनिवार को रात्रि 8 बजे से बूढ़े बालाजी मंदिर के पास शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक हैं सुनील मालवीय एवं मित्र मंडल विधानसभा क्षेत्र गुना। सुनील मालवीय ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। देश भर में आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में गुना में भी हनुमान जयंती के मौके पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। वहीं आज हुए महाआयोजन में हनुमान टेकरी पर लगा मेला खासा आकर्षण का केंद्र रहा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान टेकरी पर भव्य मेले का आयोजन किया गया था, जहां मेले का आनंद लेने एवं टेकरी सरकार के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में गुना सहित विभिन्न जिलों से श्रद्धालु पहुंचे। सुबह तड़के से ही यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा था। हर कोई टेकरी सरकार की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिया। वहीं सुबह से ही टेकरी सरकार की भव्य आरती का भी आयोजन किया गया था। साथ ही टेकरी सरकार तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आइए नजर डालते हैं आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुए मेले एवं टेकरी सरकार की भव्य महाआरती की कुछ झलकियों पर। जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा आज मीडिया कर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही जलावर्धन के विषय पर यहां विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर शहर भर के लगभग सभी गणमान्य पत्रकारगण यहां उपस्थित रहे। इसी तरीके से हमें प्रेस एक्ट के बारे में भी आज यहां ताकत होती है कि 1000 बंदूकों तो भी चले तो वो जो असर नहीं डाल सकती है वो हमारी सत्य जो है वो पूरे समाज को एक जल के ऊपर बैठकर अपने आलेख लिखते हैं लोग। आज किसी भी क्षेत्र में अपने अपने स्थानीय स्तर पर भी लें, अगर कहीं भी पानी की कमी होती है पानी को बचाना
लेकिन अब धीरे धीरे देखते हुए ये हो गया कि कभी बहुत तेज पानी गिरता है और कभी सूखा पड़ जाता है। स्थानीय पीजी कॉलेज में पदस्थ बाबू के द्वारा एक छात्र के साथ अभद्र व्यवहार एवं उसके प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का मामला सामने आया है। यहां पीजी कॉलेज के पीड़ित छात्र ने बाबू पर आरोप लगाते हुए पीजी कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही बाबू पर कार्यवाही की मांग भी की है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए भी पीड़ित छात्र ने पूरे घटनाक्रम से मीडिया को अवगत कराया। जो घटना जो आगे की हुई है ना, क्या हुआ था, कल हम ऑनलाइन माया कम्युनिकेशन फॉर्म डालने के लिए गए थे, तो वहाँ पे धर्मेंद्र रेगवार सर थे, हम फॉर्म डाल रहे थे, वो बाबू है, सॉरी बाबू थे, मतलब धर्मेंद्र रेगवार बाबू थे, हम फॉर्म डाल रहे थे, तो वहाँ से आए, मतलब ड्रिंक कर रही थी थोड़ी बहुत उनने, और उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब बातचीत आपस में सोम भैया और धर्मेंद्र रेगवार बाबू के बारे में बात चल रही थी, मतलब आपस में, तो उनने बोला, मतलब नंबरों के बारे में बात चल रही थी, आप सिलेक्शन हुआ, तो कि मेरा एससी में सिम थोड़ी ना आता हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा एससी में, उसने बोल दिया। तो एक लड़का था मेरा दोस्त, उसका नाम कौशिक है, उसने बोला चल पर उसके बाद उनने बोला सीरियसली टाइप हो गए कि मुझसे बोलने लगे, पर्सनली मेरे से बोला किसी और से नहीं कि मेरी याद तू चला जाए, मेरे एफ आई आर कटवाया। मैंने उनसे बोला यार भैया आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, कि थोड़ा ना जनरल का ही हो सकता मतलब कैसा, तो मैंने उनसे बोला, तो मेरे से बोलते हैं कि यार एक काम कर तू, कहीं मेरी मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि यार तेरे से कहीं तो मेरी एफ आई आर कटवाया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बोला और जानकू सत्र रोक दिया मेरे साथ साथ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत मतलब भी। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भोपाल के जिला गुना समिति का क्रमिक अनशन आज भी रहा जारी। गौरतलब है कि डिप्लोमा अभियंताओं का यह क्रमिक अनशन उनकी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 मार्च से निरंतर जारी है। आपको बता दें कि डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्य इससे पहले भी कई बार अनशन कर चुके हैं, पर आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिए थे। वहीं इस बार अगर उनकी मानी जाए तो वे इस बार मांगे पूरी होने तक अनशन को खत्म नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पूरे प्रदेश में मैं मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का वरिष्ठ उप प्रांत अध्यक्ष शैलेन शर्मा। हमारी 5 सूत्री मांगों के निमित्त पूरे प्रदेश में धरना क्रमिक अनशन का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो चर्चा हुई, चूँकि पहले हमारी 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना था, मुख्यमंत्री से 23 तारीख को हमारी सौहार्दपूर्ण बैठ और उनका पॉजिटिव रूप देखते हुए हम लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित न करते हुए उसको रूप थोड़ा बदल दिया और उसको क्रमिक अनशन के तौर पर हमने पूरे प्रदेश में जिला केंद्रों पर क्रमिक अनशन चल रहा है और प्रतिदिन हमारे साथी क्रमिक अनशन के रूप में बैठ रहे हैं। पूरे प्रदेश में 5 सूत्री जो हमारी मांग है, जिसमें हमारे संबद्ध साथियों को नियमितीकरण, पे बैंड में सुधार, आपके अनिवार्य पदोन्नति और वर्क टू मैनुअल के तहत कार्य का उसमें हो गया। 11 माह पहले जो CM से चर्चा हुई थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था, उसी निमित्त हमने 16 तारीख को हमारी पूरे प्रदेश के इंजीनियर भोपाल में एकत्रित हुए थे। 12 हज़ार इंजीनियरों ने अपना प्रदर्शन दिया था और जिसमें कहा था कि मुख्यमंत्री 12 निभाओ रैली के नाम से हमारा वो आयोजन हुआ था, और उसी निमित्त हमारी मंशा कोई ऐसा नहीं है कि शासन के कार्यों को प्रभावित करने की, लेकिन आज प्रदेश का इंजीनियर सड़कों पर है, 39 साल की सर्विसें हो रही हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं लोग, लेकिन पूरे जीवन काल में एक प्रमोशन नहीं उनको मिल पा रहा, तो ऐसी कई विसंगतियाँ हैं शासन के ध्यान में हमने रखी हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ ये विसंगतियाँ हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। हमारी अपेक्षा है कि प्रदेश सरकार हमारे जो प्रदेश के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो इंजीनियर हैं, चाहे वो कृषि कर्मण अवार्ड हो, अन्य भी कोई योजना है, उसमें इंजीनियर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसी स्थिति में प्रदेश के इंजीनियर सड़कों पर आए तो वास्तव में ये प्रदेश सरकार के लिए चिंतनीय है, प्रदेश के मुखिया के लिए।
आरोन नगर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने हर्षोल्लास से मनाई हनुमान जयंती। साथ ही डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान बजरंग दल के अखाड़ेबाजों ने विभिन्न कर्तव्य भी दिखाए, साथ ही शोभा यात्रा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत भी किया गया। हनुमान जयंती को लेकर नगरवासियों में खासा उत्साह भी दिखाई दिया। यहां कई दिनों पूर्व से ही मंदिरों में साज सज्जा का कार्य शुरू हो चुका था। हनुमान जयंती के अवसर पर भोर पहर से ही मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया था। वहीं पुराने श्रीदास हनुमान मंदिर में भगवान का अभिषेक भी किया गया। इसके बाद आरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। बीनागंज के पंचमुखी हनुमान मंदिर से एबी रोड पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल समारोह निकाला गया। इस चल समारोह में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। वहीं चल समारोह के दौरान जगह जगह पर शीतल जल व ठंडे शरबत की व्यवस्था भी की गई। चल समारोह का समापन श्री रामानंद आश्रम पर हनुमान जी की सामूहिक आरती के साथ हुआ। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। किरार धाकर क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है अखिल भारतीय युवक ज्योति परिचय सम्मेलन। उक्त सम्मेलन आगामी 22 अप्रैल को भोपाल में आयोजित होना है, जिसके लिए आज किरार धाकर महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही आगामी 22 अप्रैल को होने वाले युवक युवती परिचय सम्मेलन हेतु ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाजजनों से वहां पहुंचने की अपील भी की गई। हमारी हाल ही में गत माह जो कोटा में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमारे अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह जी चुनी गई हैं, उन्होंने उसी समय एक ऐलान किया था कि आगामी 22 अप्रैल को भोपाल में एक राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उसी की तैयारियों को लेकर आज अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय नवयुवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवंश सिंह जी किरार
आज हमारे बीच इस बैठक में मौजूद हैं। और जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह जी धाकड़ की अध्यक्षता में आज ये बैठक ली जा रही है, और इसमें विभिन्न समाज के लोगों को दायित्व सौंपे जा रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन हो सके। इसी तैयारियों को लेकर अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा युवक युवति भोपाल में जो आयोजित हो रहा है उसमें सम्मिलित हों, युवक युवती प्रत्येक। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। श्री हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम 31 मार्च 2018 शनिवार को रात्रि 8 बजे से बूढ़े बालाजी मंदिर के पास शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक हैं सुनील मालवीय एवं मित्र मंडल विधानसभा क्षेत्र गुना। सुनील मालवीय ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करें।